सो गाइस वेलकम टू आवर फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आज के रिव्यू हमारा S7H के बारे में होगा। दिस इज नॉट अ वेरी डेप्थ रिव्यू, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि इस वक्त भी अगर आप S7 लेते हैं इतने अरसे बाद, तो इज इट रियली वर्थ बाइंग। दिस इज दानी हमदानी फ्रॉम salesend.com। लेट्स गो टू बहरिया। सो गाइस इससे पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, मुझे पता है कि आप लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि इस लड़के ने इतनी गंदी टोपी क्यों पहनी हुई। खैर, स्टोरी है, इसके पीछे एक कहानी है, बताऊंगा आपको वक्त आने पर। जो मेन पर्पज़ है हमारा, जो आज के रिव्यू का पर्पज़ है, वो ये है कि S7H जो इतने अरसे बाद हम लोग जो मार्केट में आए, इसको काफ़ी अरसा हो गया है। अब जो लोग सेकेंड हैंड इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, जो सेकेंड हैंड इसको लेना चाह रहे हैं, उनके लिए ये कैसा सेट है? क्या वो अभी भी परचेज़ कर सकते हैं जबकि मार्केट में S9 आने वाला है और S8 को आए हुए काफ़ी अरसा हो गया है? अगर आप मेरे जैसे हैं जो S8 अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स इन द मार्केट। आपको ये लेना चाहिए, इसकी बैटरी परफेक्ट है। जो सबसे बड़ी शिकायत एंड्रॉयड डिवाइसेस की हमें मिलती है वो ये है कि आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ यूजेज उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहती, वो जो है स्लो हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात S7H में जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि अभी तक वैसा ही फास्ट है जैसा मैंने इसको पहले दिन यूज़ किया था और पहले दिन था। ज़बरदस्त सेट है, इसका डिस्प्ले ज़बरदस्त है। सबसे मज़े की चीज़ जो एज है इसके अंदर, वो इसको सबसे यूनिक करता है बाकी डिवाइसेस से, और इसका एज S6 से बहुत ज़्यादा बेहतर है। सो इस वक्त अगर मार्केट में आप 40,000 to 50,000 के रेंज में सेकंड हैंड मोबाइल लेना चाहते हैं अच्छी कंडीशन में, तो मेरे ख्याल में S7H बहुत ज़बरदस्त सेट है। बैटरी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त इसकी, कैमरा ज़बरदस्त इसका। और हाँ, इस वीडियो में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हम आपको इसके कुछ कैमरा सैंपल्स दिखाएंगे जो पिछले 5-7 महीनों में मैंने बनाए हैं, जो मैंने वीडियोस ली हैं, जो मैंने वीडियोस शूट की, इंक्लूडिंग टुडेज़ पिक्चर्स एज वेल। आप एफिल टावर देख रहे हैं, हम इसकी पिक्चर्स बनाएंगे। और उसके अलावा जो है सबसे बेस्ट चीज़ इस वीडियो रिव्यू की वो ये है कि हम इसमें S7H का अंडर वाटर रिजल्ट आपको दिखाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि इसका रिजल्ट कैसा है। दिस विल बी समथिंग डिफरेंट, आपने ऐसा नहीं देखा होगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, चेक करते हैं आगे क्या 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 कुछ आने वाला है। S7H worth hai buying ke liye ki nahi itne arse baad bhi I think it is maine 8 months use kiya hua phone aur bahut acha hai camera results to aapko shah sahab ne bata diye hue main aapko bataunga ki iski IP68 rating hai iski water resistant ye abhi bhi iPhone 8 jo ki abhi 2 months pehle aaya hai usse zyada hai aur market mein abhi bhi iski value hai अगर आपको ये सेट मिल भी रहा है विदाउट डब्बा विदाउट चार्जर, ये यूजली बाहर से UK से सेट आते हैं कुछ वोडाफोन के स्प्रिंट के, तो वो बग़ैर खाली सेट आते हैं, तो इट इज़ वर्थ बाइंग और सही आपको रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाएगा। और लेट्स गो टू उस्मान फॉर वाटर।
shovel. I can do this all day, I can do this all night. I can do this all day, I can do this all night. अभी आपने कुछ क्लिप देखे हैं S7H 1.5 मीटर और 30 मिनट तक अंडर वाटर रह सकता है जो कि iPhone 8 से काफ़ी ज़्यादा है. सो गाइस बहुत मुबारक हो अगर आप हमारी वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं. हम लोग तो पर्सनली नहीं पहुंच सके थे, आप लोगों का हौसला है और आप लोगों की हिम्मत है. खैर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें. ऐसा तो सब कहते हैं, हम नहीं कहने वाले. हम सिर्फ आपको कहेंगे कि अगर आपने किसी का टाइम वेस्ट करना है तो उसको इसमें टैग करें. कौन सी ओए होए डोपी, ये तो शिशका है शिशका.